बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एज़ यू ऑल नो, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10, ड्रग एडिक्शन, एंड वी हैव कंप्लीटेड द टेक्स्ट ऑफ दिस यूनिट. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज एंड ग्रामर पार्ट ऑफ दिस यूनिट, एंड वी हैव टू टॉपिक्स इन ग्रामर. फर्स्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन एंड द अदर वन इज एडजेक्टिव क्लॉज. वी हैव लर्न अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज, दैट वॉट an adjective clause is and what a relative pronoun is. What is the function of relative pronoun? An adjective clause always begins with a relative pronoun. These two topics are linked together. That is why we have chosen these two topics together. So an adjective clause, as you all know, an adjective clause always begins with a रिलेटिव प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है. जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से वी हैव हु, विच, दैट, हुम एंड हुज. एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव वर्ड इज़ एन अदर थिंग एंड एडजेक्टिव क्लॉज इज़ एन अदर थिंग. एडजेक्टिव क्लॉज पूरी क्लॉज होती है जो कि हु या हुज, दैट, विच और हुम से स्टार्ट होती है, और वो आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. As you all can see in the examples, the people who are dissatisfied and discontented. So, who are dissatisfied and discontented is your adjective clause. So, now today we learn the function of each relative pronoun in detail. That when and how do we use these relative pronouns. सबसे पहले हम who का use सीखेंगे. How do we use who in sentences? Who is always used for persons. हमेशा किसी person को refer करने के लिए हम who use करते हैं. As you all know, relative pronoun is used instead of a noun, preceding noun, जो जिस noun के बारे में हम पहले बात कर रहे होते हैं. A relative pronoun always refers back to the noun we are talking about. हम जिस noun के बारे में बात कर रहे होते हैं हमेशा relative pronoun उसको refer back करता है. तो who is used for persons, हमेशा लोगों के लिए हु इस्तेमाल होता है. हु, वी डू नॉट यूज़ हु फॉर लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. सो एज यू कैन सी दिस सेंटेंस, दिस इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. सो व्हाई हैव वी यूज्ड हु हियर? वी हैव यूज्ड हु in order to replace the girl. We have used the girl for who for the girl. हमने the girl की जगह पर who use किया है. So the girl is a person. तो हमने person को refer करने के लिए the girl is common noun. हमने common noun के जगह who use किया है. We could have said this is the girl. हमारा ये पहला सेंटेंस हो सकता था, और हम ये भी कह सकते द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी हैव यूज्ड हु एंड वी हैव जॉइंड दीज टू सेंटेंसेस. दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. सो वी हैव यूज्ड हु फॉर पर्सन. नेक्स्ट अप वी हैव हुम. हुम इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन, बट दैट इज़ इन ऑब्जेक्टिव पार्ट. लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ होता है, सब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ नहीं होता. जैसे कि दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, हु इज़ इन ऑब्जेक्टिव पार्ट. बट हुम इज़ इन ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड हु इज़ इन सब्जेक्टिव पार्ट. The old lady whom we met in the shop was Amna's grandmother. The old lady whom we met. We cannot say the old lady who we met. I know the woman whose child was hurt. Next up we have whose. Who is possessive case. Possession क्या show करती है? किसी की किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं. So I know the woman whose child was hurt. The woman whose, जिसका, it shows the possession. The child belongs to the woman. The child is of the woman. So we have used whose in possessive case. हमने possessive case में whose use करना होता है हमेशा. whose, हम किसी की चीज़ को refer करने के लिए कहते हैं whose. Next up we have that. That is used for non-living things, animals, as well as for persons. We can use that for person, but which is only used for animals and non-living things, which we cannot use for
human beings. So which is only used for non-living things, and that is for non-living and living things as well. दैट का फंक्शन ये है कि दैट हम पर्सन्स के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट पर्सन्स के लिए हम उसी केस में यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा लोग होते हैं. जैसे कि आई से माई सिस्टर दैट वर्क्स इन फार्मेसी इज़ वेरी क्लोज टू मी. वाई आई हैव चोजन टू यूज़ दैट, मैंने दैट क्यों यूज़ किया, क्योंकि आई हैव मोर देन वन सिस्टर. मेरी एक से ज़्यादा बहनें हैं तो मैं उनमें से एक पर्टिकुलर वन को रेफ़र करने के लिए दैट यूज़ किया है. लेकिन अगर मेरी एक ही बहन है तो आई कैन नॉट से दैट. आई हैव थ्री सिस्टर्स, सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू रेफ़र टू द पर्टिकुलर वन, टू द वन हु वर्क्स इन फार्मेसी, जो कि फार्मेसी में काम करती है, मैं उसको रेफ़र करने के लिए दैट यूज़ किया. बट इफ़ आई हैड वन सिस्टर आई कुड नॉट हैव सेड दैट. आई वॉज ओनली सपोज टू से हु. जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, माई फादर हु वर्क्स इन फार्मेसी, वी कैन नॉट से माई फादर दैट वर्क्स इन फार्मेसी. दैट हमेशा कुछ लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, कुछ लोगों को में से एक पर्टिकुलर वन को रेफ़र करने के लिए दैट यूज़ किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी आर डन विद टुडेज़ टॉपिक एंड लेट्स डू दीज ब्लैंक्स. These are the color pencils dash I want to buy. Which I want to buy. Pencils are non-living things, so I've used which. I know the woman whose child was hurt. The old lady whom we met in the shop was Amna's grandmother. This is the girl who stood first in the class. Shazia likes the candies dash her father brought from the market. Which her father. We are talking about the candies and we are referring to candies, and candies are non-living things, so which her father. Anwar dash no one listened to was right. Anwar whom no one listened to was right. Anwar jisko, hum ye nahi keh rahe kaun. Who we used when we want to say kaun, who, but whom, jisko. So that's all for today, and you have got a task, that is you have to use these relative pronouns in your sentences. Try to make sentences of these relative pronouns in your notebook. So that's all for today. Stay safe, take care, Allah Hafiz.